गलतियां यानी कि मिस्टेक्स हम सब करते हैं, लेकिन अगर हम इन मिस्टेक्स को नहीं सुधारते तो हम नूब प्लेयर कहलाते हैं, और अगर हम इन मिस्टेक्स को सुधार के और आगे बढ़ जाते हैं और बेटर खेलना सीख जाते हैं तो हम प्रो प्लेयर कहलाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जिन्हें अगर आप सुधार लेते हो तो आपको एक प्रो प्लेयर, एक लेजेंड प्लेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप ये गलतियां करते जाते हो तो आप एक नूब प्लेयर हो। बेसिकली आज मैं आपको सिर्फ गलतियां ही नहीं बताऊंगा, आपको उसके निवारण, हाँ क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आपको उसको कैसे सुधारना है ये भी बताऊंगा। तो इस वीडियो के बाद आपका गेम प्ले बूस्ट होने वाला है, वो भी यहाँ से यहाँ तक के लेवल पे। और मिस्टेक नंबर 3 और मिस्टेक नंबर 5 को बिल्कुल मिस मत करना, उसमें जो मैं आपको बताऊंगा ना आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बढ़ते हमारे मिस्टेक नंबर 1 की ओर, जो कि स्ट्रेट रस या फिर डायरेक्ट रस। अब देखो यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, हमारा और एक एनिमी का फाइट चल रहा होता है और हम उसके ऊपर सीधे रस कर देते हैं, बट यहाँ पे एनिमी को पता होता है हम उनके पास सीधे आ रहे हैं, वो हल्का से निकलता है और हमें इजीली हेडशॉट से खत्म कर देता है। अब देखो यहाँ पे मेरा और सामने वाले एनिमी का फाइट चल रहा है, अब मैं यहाँ से अगर सीधा सीधा उसके ऊपर रस करूंगा तो क्या होगा, वो मुझे इजीली वहाँ से खड़ा खड़ा हेडशॉट मार देगा, क्योंकि वो अपने पोजीशन पे, वो कवर पे, मैं अपना कवर छोड़ के उसके ऊपर सीधा रस कर रहा हूं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इधर से जा रहा हूँ, आपको लगा ना कि अब मैं इधर से घूम के जाऊंगा, सेम टू सेम एनिमी को भी लगेगा कि मैं उधर से बिल्कुल घूम के जाऊंगा और एनिमी मुझे मारने के लिए उधर पहले ही पहुंच जाएगा। तो अब हमें क्या करना, हमें यहाँ पे अपना रास्ता मोड़ लेना है। जी हाँ, ये एक फेक रस था, एनिमी को लगेगा कि मैं घूम के जा रहा हूँ बट मैं तो उधर जा ही नहीं रहा, मैं तो यहीं पे हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये फेक रस करके आप इजीली किसी भी एनिमी को पागल बना सकते हो। तो आपको क्या नहीं करना, आपको स्ट्रेट रस नहीं करना, डायरेक्ट रस नहीं करना है, आपको फेक रस करना है। ये एक नई ट्रिक है जिससे कि आप इजीली किसी भी एनिमी को पागल बना के कंफ्यूज करके मार सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी भी एनिमी के माइंडसेट को पढ़ लिया, मतलब वो क्या सोच रहा है उसको आपने समझ लिया एंड आपने उसका ऑपोजिट कर दिया, तो आप इजीली उस वाले फाइट को जीत जाओगे, क्योंकि दिमाग में पहले फाइट लड़ी जाती है। आप एनिमी के माइंडसेट को समझो, फिर आप सोचो कि आपको क्या करना है, इजीली फाइट आपका है, इतना सामने वाला एनिमी नहीं सोचता, बट अगर आप सोचते हो तो आप सामने वाले एनिमी से एक कदम आगे और आप इजीली उस वाले फाइट को जीत जाओगे। अब देखो यहाँ पे हमने समझ लिया कि हमें फेक रस करना है, ठीक है, बट स्क्वाड में जब हम सीएस रैंक खेलते हैं तो हम बहुत बार एक गलती करते हैं, हम अकेले चले जाते हैं एनिमी को मारने। आप जैसे कि इस वाले क्लिप में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एनिमी को कुछ डैमेज दिया, अब मुझे लगा वो एनिमी डैमेज है, मैं उसके ऊपर रस करने चला गया, बट इसका पूरा स्क्वाड बैठा था और मुझे उन लोगों ने मार दिया। मैं अकेला गया बट सामने वाले का पूरा स्क्वाड था ना वहाँ पे, मुझे तो नहीं पता सामने कितने बंदे हैं। तो इसलिए कभी भी आपको अकेले रस नहीं करना, चाहे आपने एनिमी को कितना ही डैमेज क्यों ना दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है, बस सिंपल है यार, अकेले नहीं करना है तो साथ में करना है ना, और आपके साथ कौन है, मैं तो हूँ नहीं, आपके टीममेट्स है तो अपने टीममेट्स के साथ जाओ। देखो मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं और मेरे दोस्त चारों एक साथ थे एंड दो बंदे हमारे टीम के नॉक हो गए। क्या किया, मेरे एक दोस्त ने आके मुझे रिवाइव दे दिया, हम दोनों को रिवाइव दे दिया, यहाँ पे दिमित्री ऑन कर दिया, हम दोनों इजीली रिवाइव हो गए और सामने वाले टीममेट्स एक एक करके हमारे ऊपर रस करते गए, हम रिवाइव होते गए, उनको मारते गए, रिवाइव होते गए, उनको मारते गए। तो अगर आप टीम में साथ में रहते हो तो आपको रिवाइव मिलने के चांसेस रहते हैं, प्लस आपके पास फायर पावर रहता है, मतलब आप अकेले कितने ही फायर कर लोगे, AWM का 150 मार लोगे, MP40 का स्प्रे कर लोगे, बट अगर आपके साथ और तीन बंदे, तीनों मतलब चारों एक साथ फायर कर रहे हैं तो आपके पास फायर पावर है, सामने से दो बंदे आए, तीन बंदे आए, जितने भी बंदे आए आप लोग इजीली फायर करके उनको मार सकते हो, और एक बंदे में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाता। साथ ही साथ अगर आप नॉक होते हो तो दिमित्री का ऑप्शन है, कोई बंदा थीवा लगा के आया आपको रिवाइव दे देगा, तो रिवाइव की भी ऑप्शन है, फायर पावर है आपके पास, इसलिए ऑलवेज अपने टीम के साथ रहो। और देखो इस वाले राउंड को हमने इजीली विन भी कर लिया, क्यों, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा टीम एक साथ था। अब देखो यहाँ पे इस वाले क्लिप में एक बच्चा हमारे ऊपर रस करने आ रहा है और मैंने इतने में अपने दोस्त को बुला लिया अपने पास, अब ये मेरे को कितने मारेगा बताओ, एक वन टैप दिया बंदा खत्म। अगर ये मुझे बाय चांस मार देता तो देखो पीछे मेरा एक दोस्त आ गया, वो इसको इजीली खत्म कर देता। तो इसलिए एक साथ रहो, अगर सामने वाले ने आपको नॉक कर दिया तो आपका दोस्त उसको मार देगा, बट अगर आप अकेले जाओगे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, डोंट रस अलोन। अब देखो मैंने आपको जस्ट कुछ सेकंड पहले क्या बोला, मैंने अपने दोस्त को बुलाया और वो आ गया मुझे कवर देने के लिए। तो मैंने क्या किया, अपने दोस्त को बुलाया, कम्युनिकेट किया, उसके साथ बात किया। आपको ऑलवेज अपने टीममेट्स के साथ बात करना है। आप लोग यहाँ पे एक गलती करते हो, माइक ऑफ करके खेलते, बहुत लोग क्या करते, अपने घर की बात करते, अपने ब्रेकअप का स्टोरी बताते अपने, नहीं भाई, जब आप गेम खेल रहे हो आपको प्रॉपर उस गेम के अंदर वहाँ पे होना है, उस जगह पे होना है। देखो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, चल चल दो, एक बंदा डाउन है, 197 का डैमेज है। कूदा कूदा कूदा, एक घर से कूदा, लॉन्ग रेंज से मार रहा है, लॉक है, दो बंदे का लॉक है, मेरे पास एक बंदा आ गया भाई, मेरे को कवर दो यार, एक तो बचा से पीछे हट है उसको,
जितने नौ के सबको क्लियर करो पहले। एक बंदा मेरी साइड से तुम्हारी साइड आ रहा है। अब जैसे इसने कहा मुझे कि एक बंदा मेरी साइड से तुम्हारी साइड आ रहा है, मैं यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव हो गया। वरना मैं क्या करता, मैं आराम से मेडकिट मारता रहता या फिर दूसरे साइड वेट करता। बट जैसे उसने कहा मैं यहाँ पे एक्टिव हो गया, पीछे की ओर आ गया और जैसे ही बंदा आया उसकी साइड से मेरी साइड मैंने खत्म कर दिया। बढ़िया। तो दोस्तों कम्युनिकेशन पावर बहुत ज्यादा, इसे कहते हैं टीम वर्क। एक टीम इसी को कहते हैं जो अपने, मतलब मैं क्या समझाऊं यार, मैंने समझा दिया सारा कुछ। अब अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को जल्दी से एक लाइक करो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो नहीं करते, मुझे नहीं पता क्यों, बट जाके फॉलो करो। आप लोग इतने लोग वीडियो को देख रहे हो, मन नहीं करता कि मेरी रियल लाइफ मेरे फोटोज वोटोज देखो, तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जाके देखो, वहाँ पे मैं रील वील भी बनाता हूँ, पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ। जाओ दबाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और जाके इंस्टा पे फॉलो करो। बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे टिप नंबर 4 की ओर, सॉरी मिस्टेक नंबर 4 की ओर, वियरिंग हैवी ड्रेसेस। आप लोग कपड़े पहनते हो, मतलब आप लोग, मैं सबको नहीं कह रहा बट मैंने देखा है गेम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे कपड़े पहनते हैं और उनको ये कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक तरफ से ये देखने में बहुत अच्छा है, और भी बहुत सारे बंडल्स है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब देखने में तो अच्छा है बट गेम प्ले के लिए क्या ये अच्छा है? अब देखो, आप रनिंग करने जा रहे हो या फिर क्रिकेट खेलने जा रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो, तो आप कैसा ड्रेस पहनोगे? ऐसा बिल्कुल भारी सा या फिर एक हाफ पैंट और एक हाफ सा टी शर्ट, क्या पहनना पसंद करोगे आप? मुझे कमेंट में अभी बताओ। नॉर्मल सी बात है यार, ऐसे मतलब नॉर्मल वाले कपड़े, तो आप कैरेक्टर को क्यों ऐसा पहना रहे हो? कैरेक्टर को आप भारी कपड़े दोगे तो वो मूवमेंट कैसे करेगा? मूवमेंट स्पीड इससे कम, मतलब इन गेम की बात नहीं कर रहा, गेम का मैकेनिज्म का बात नहीं कर रहा, बट गेम प्ले में ऐसा हमें एक्सपीरियंस होता है कि अगर ऐसे बंडल लेके हम खेलेंगे तो हमारा गेम प्ले का जो मूवमेंट स्पीड है, मूवमेंट है ऐसे ऐसे रोटेट करने वाला सिस्टम है, वो स्लो हो जाता है, वो अच्छे से काम नहीं करता। प्लस आपको सामने वाले बंदे भी कम दिखते, जितना पतला रहोगे सामने का स्क्रीन आपको उतना ज्यादा दिखेगा, साथ ही साथ आपका स्पीड, आपका मूवमेंट बहुत कुछ इससे कम हो जाता है। तो आप जितने भी ई स्पोर्ट प्लेयर देखोगे, अच्छे प्लेयर्स देखोगे, जो भी अपना गेम प्ले दिखाते हैं आपको, तो वो हमेशा वैसे वाले टी शर्ट का यूज करेंगे जो कि हमेशा बॉडी से चिपके हुए रहेंगे। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर आप लड़की का कैरेक्टर लेके खेलते हो, लड़की का बिल्कुल प्रॉपर पतला सा बंडल लेके खेलते हो, तो आपका मूवमेंट स्पीड और ज्यादा स्मूथ हो जाता है। अरे यार, हम लड़के यार, हमारे साथ ऐसे ही होता है, लड़की के कैरेक्टर में ज्यादा मूवमेंट है। फ्री फायर वालों ने भी हमारे साथ भेदभाव किया है। बढ़ते हमारे टिप पर, नहीं मिस्टेक नंबर 5 की ओर, जो कि है एक बहुत बड़ी मिस्टेक। जी हाँ, अगर आप इस वाले मिस्टेक को नहीं सुधारोगे तो फिर दिक्कत है आपको, क्योंकि देखो बहुत सारे बंडल्स, बहुत सारे गन स्किन्स गेम के अंदर होते हैं जो कि हमें डिमोटिवेट करते हैं अगर सामने वाला प्लेयर उसे लेके आ जाता है। तो क्यों ना ऐसा हो कि हमारे पास भी वो सारी गन स्किन्स हो, लेवल 7 की मैक्स गन स्किन, एक बवाल सा बंडल जो कि हमारा सपना हो लेने का, बट उसके लिए हमें डायमंड लगते हो, लेकिन हमारे पास डायमंड तो है ही नहीं। तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप इस वाले वीडियो को नहीं देख रहे हो। इस वाले वीडियो को अगर आप देखोगे, इसके अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जिससे आप इजीली अपने अकाउंट में बहुत सारे फ्री के डायमंड्स ले सकते हो, डेली के 1000 से भी ज्यादा। तो इसको जाओ दबाओ, देखो इसको पूरा का पूरा वीडियो देखो, आपके लिए ही है। गलती से भी इस वाले वीडियो को मिस मत कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जाके इस वाले वीडियो को देखो एंड डायमंड्स की बारिश करो अपने अकाउंट में। बाय।